दोस्तों आप लोग बताओ क्या होगा इसमें। आप मुझे सामने लेके किस चीज बहुत सुन रहे हैं दोस्तों, साड़ी है क्या इसमें लग रहा है? जो भी हो नेवछावर, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है अमित किट्टो। ये देखिए हमारे लिए ये रबड़ी लेके आए। डेली क्यों लाते हो आप? डेली आपको खाना पड़ता है ना, तो इससे आपका हमारा जो हेलो गाइस, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि बहुत ज्यादा मेरा ब्लड वगैरह निकाल लिए थे और आप देख सकते हैं इधर हल्का हल्का ग्रीन भी हो गया है। ग्रीन क्या, काला हो गया है। तो पता है, पता नहीं क्यों ब्लड निकालने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ना चक्कर टाइप का आ रहा था। और हम पता है हम सो गए और सो गए पे हमारे हस्बैंड जी ड्यूटी से आए हैं, पता नहीं कब से किचन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। और पता नहीं किचन में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? हमको लगा खाना बना रहे, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, ये आपके लिए रबड़ी लाए थे, तुमके थोड़ा निकाल खिला। दिखा दिखा दिखा, मैं क्या करके दिखाओ? ये देखिए हमारे लिए ये रबड़ी लेके आए। डेली क्यों लाते हो आप? डेली आपको खाना पड़ता है ना, तो इससे आपका हमारा जो होने वाला बेबी होगा ना तो थोड़ा हेल्दी होगा। ये आपके लिए रबड़ी है और ये क्या है? रसगुल्ले हैं। इसको सुबह खाना उठ के खाना पड़ता है, रात को घी लाया हो क्या बेबी? हाँ जी, घी खत्म हो गया था ना, तो दाल में पीने के, दाल में डाल के पीने के लिए, और क्या बोलते हैं, और दूध में डाल के पीने के लिए, तो घी खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको पता है, अगर जो भी प्रेगनेंसी महिलाएं हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनको बता दूं कि घी खाना चाहिए। और ये मसाला वाला नमक पारा भी लेके आया हूँ मैं। हाँ, अरे नहीं ऊपर नहीं रखो, नीचे रखो अभी पहले। क्या पानी लग गया क्या उसमें? वो सीरा गिर गया होगा ना उसका। अच्छा थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। नेनुआ है या टमाटर लेके आया हूँ मैं, इसे फ्रिज में रख देता हूँ क्योंकि ये सादा खाना खाना चाहिए, बहुत गर्मी है। और मेरे लिए तो और भी, और ये आमचूर, आमचूर मैंगो पाउडर। तो दोस्तों तेरी क्या को लग गया है, तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें दोस्तों। तो इनको मैं रबड़ी देता हूँ, खा लेते हैं थोड़ा सा, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा रबड़ी बनाते हैं ये। रबड़ी अच्छा है, हम खा लेते हैं। खा लो खा लो। पानी नहीं आ रहा है मुझे तुम्हारे? नहीं पानी नहीं आ रहा है। तो आपने हमारे लिए इतना कुछ लेकर आया तो हम भी आपके लिए कुछ बना के रखे हैं। मेरे क्या बनाए हो? अब बनाए हैं, अब क्या बताएं क्या बनाए हैं, दिखा दे। इसको खा लो, ठीक है? ठीक है। तो जिसको खाना होगा रबड़ी वो आ सकता है, काफी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हम भी दिखाते हैं ना, हम आपके लिए कुछ बनाए हैं। क्या बनाए? हमारे लिए कुछ लाया था। क्या कुछ बना? खाली खाली दिख रहा है। अरे तो उधर खाली ना, फ्रिज में रखे हैं दोस्तों, फ्रिज में है, देख लेते हैं। देख लो, ज्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया है। वाओ खीर, वाओ। तो थोड़ा आज एक चावल वाला खीर बनाई है, खड़े खड़े चावल इसमें, लेकिन पता है बहुत टेस्टी है। भले से खड़े चावल का बनाया बट बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटी। खाओ तो पहले, अब थोड़ा पानी पी लेता हूं, वो खा लिए ना, बाद में खा लेंगे दोस्तों। आज मैं ना टेस्ट करो, देखो कैसा है, टेस्ट करके बता दो। क्या क्या टेस्ट करें यार, थोड़ा सा कर लो। टी शर्ट पहन के गंदा कर दो इसको, इतना प्यारा सा टी शर्ट है। तो क्या हो गया गंदा है? तो खा के बताएंगे कैसा है। मस्त है, लेकिन उससे कम बढ़िया है ना। तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना हिसाब। दोस्तों इसमें पता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया, नहीं अच्छा है, दूध और चावल का बनाया है मैंने। हाँ तो दूध एक्स्ट्रा था, तो मैंने बोला कि दूध बचाए क्या करेंगे ज्यादा, रात में तो एक ही गिलास पीते हैं, तो मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तो मैंने उसका खीर बना दिया, खड़े चावल का बना दिया। बहुत अच्छा किया, खीर बना दिया है, गुड। देखो मैं आपको कितना मानते हो, आप मेरे लिए लेके आओ तो हम आपके लिए भी। चलो ये खा लो फटाफट पहले। चलो ठीक है। गाइस रबड़ी मैंने खा ली, थोड़ा पानी पी लिया हूँ, अब तो मैडम भी खा रही है। कुछ रबड़ी में कुछ कंप्लेन बता रही, क्या कह रही हो आप? मैं बोल रही हूँ ना, हम लोग के साइड में रबड़ी मिलता है ना हल्का सा रेड टाइप का होता है, लेकिन ये प्योर वाइट है। प्योर वाइट है, हर जगह का अलग अलग होता है, इसे कोई बात नहीं है। फिर खाने में अच्छा है कि नहीं? खाने में टेस्टी है। हाँ तो गाइस बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ ना, जो गोद भराई में गिफ्ट मिला है उसे आप लोग के साथ खोल के दिखाई देते हैं। आज अनबॉक्सिंग करते हैं, आज कर देते हैं क्योंकि फिर टाइम मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहा था क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है। तो आज दिखा देते हैं क्या मिला है।
तो चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ रखा हुआ है, ढूंढते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो ना क्या है यार, नहीं घर में है, कहाँ है, बाहर। आप रखे हो ना संभाल के। तो गाइस चलो बने रहिए ब्लॉग में हमारे, आपको दिखाते हैं। एक टी शर्ट हमको मैडम जी लाई थी, बहुत प्यारा टी शर्ट है ये। इसमें बटन लगा है देखो वाला, चिट्टिया वाला। चलो गाइस चलते हैं, आप लोग का इंतजार मतलब जो इंतजार है वो समाप्त करते हैं। तो कैमरे को लगाते हैं स्टैंड में और फिर हम लोग आपको दिखाते हैं क्या क्या मिला है। तो गाइस यही दो गिफ्ट है, एक तो बहुत बड़ा सा है, देखते हैं क्या है इसमें, और एक छोटा सा है, एक किट्टो का है, पूनम दी का है। तो ज़्यादा गिफ्ट नहीं मिला था हम लोग को, दो ही गिफ्ट मिला था। तो क्योंकि जो प्यार से मिल जाए वही अच्छा लगता है। तो और वैसे पता है सबको, सबने क्या बोलते हैं आजकल में, सब लोगों ने वो क्या बोलते हैं ना, न्यौछावर, ये देखे इस पर लिखा हुआ है अमित किट्टो। तो अमित किट्टो देखते हैं क्या दिए हैं, पैसे वगैरह सब दिए थे। तो और हमने पता है कार्ड भी लाए थे, लेकिन फिर सोचे बाहर न घर में, तो सोचे थे मतलब जो दोस्त है उनको कार्ड इन्विटेशन देंगे, फिर हमारा कार्ड वाला से मतलब जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है। और बहुत कुछ लोग बोले थे कि तो आप लोग को डायमंड देने वाली थी, तो हाँ दोस्तों देने वाली थी, लेकिन पता है हमने मना कर दिया क्योंकि अभी हमको डायमंड जरूरत नहीं है। हमको चलो जब बेबी आ जाएगा तब डायमंड देना, बेबी आ जाएंगे मतलब बेबी जब हमारा हो जाएगा तब, हमको अभी इतना महंगा क्या देने की क्या जरूरत है, हमको अभी कुछ अपने प्यार से मन से अच्छे से दे दो। तो वो गिफ्ट लेके आए थे बहुत प्यारा सा, देखते हैं इसमें क्या है, दिखाते हैं। आ जाओ जी, तो हम लोग दिखाते हैं कैमरे में लगा के। गाइस गिफ्ट लेके बैठ गए हैं, एक गिफ्ट करके खोलते हैं। सबसे पहले देखो, पहले ये वाला, पहले ये बड़ा है, पहले छोटा वाला। तो सबसे पहले छोटा वाला गिफ्ट हम खोलते हैं, इतना यार तगड़ा पैकिंग कर दी है, कुछ ही नहीं जाए। रुक जाओ, अरे वाह यार क्या है यार, टेडी है क्या, पकड़ो तो दोस्तों। आप लोग बताओ क्या होगा इसमें, अरे दिखाओ तो। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा वॉच है यार, अच्छा बहुत ही प्यारा वॉच है। थैंक यू बुलंदी, आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, अच्छा लगा बहुत। लव पहना है आपको, अरे मस्त लग रहा है यार। चलो बहुत ही प्यारा गिफ्ट था बुलंदी का, एक बार फिर से उनको धन्यवाद, धन्यवाद पूनम दी। हम मेरे मुंह से पिंकी दी निकलता है क्योंकि उनका घर का नाम यही है, तो थोड़ा सा बड़ा है, चलो कोई नहीं, ढीला ढाला रहेगा सही अच्छा रहेगा। ये गिफ्ट तो बहुत प्यारा था, छोटा सा और बहुत ही अच्छा लगा। अब ये बड़ा वाला खोलते हैं, इसमें क्या है, आए है निकल रहा है, हाँ तो बड़ा है ना। तो चलो दोस्तों अभी हम पैक करके रख देते हैं, फिर बाद में पहनेंगे, थोड़ा छोटा करा के, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप लोग के सामने देखिए क्या इसमें लग रहा है, जो भी हो गेस करिए क्या है फटाफट। टिक टिक वन, टिक टिक टू, हम तो दिखाई दे रहे हैं। अरे जैसे होता है ना, थोड़ा सा लोग सोचते हैं क्या है क्या है, एक्साइटमेंट जो होता है कि क्या है क्या नहीं है। आराम से खोलो यार, कितना जल्दी है देखने का। ये सब पॉलिथिन ना हम पहले रख देते थे कि किसी को गिफ्ट करके पैक करना होगा, पैक करके दे देते, अब नहीं रखते, पहले रखते थे घर पे अपने। अरे वाह यार ये भी तो बहुत ही प्यारा है। हाँ? दोस्तों क्या है ये, बोर्ड है क्या, लिखने वाला, क्या है, बहुत ही प्यारा फोटो फ्रेम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है,
थैंक यू अमित क्रिप्टो जी, इन्होंने लग रहा है हमारा फ्यूचर प्लान देख के भी किया है कि हम लोग फैमिली, हम लोग की फैमिली बनने वाली है, तो और ये फैमिली फोटोज है भी। थैंक यू एक बार फिर से अमित क्रिप्टो दोस्तों, आपने देखा गिफ्ट कैसा लगा हम लोग का, हमें जो हम लोग को मिला था। थैंक यू, लेकिन यार तुम कुछ नहीं दिए यार। यार हमसे भी गिफ्ट लोगे क्या? चलो कोई नहीं, आपको गिफ्ट दे देंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा गिफ्ट कैसा लगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली।